गुड मॉर्निंग मास्टर्स, बीए योगी और क्रिस्टल हीलिंग मेडिटेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन शुरू करने के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूँ डॉक्टर संगीता नेहरा मैडम को। प्लीज मैडम आइए, आज का सेशन शुरू कीजिए मैम। थैंक यू भार्गव। थैंक यू मैडम। थैंक यू ऑल मास्टर्स। थैंक यू, ए डीप ग्रेटिट्यूड टू ऑल मास्टर्स। चलिए हम अपनी क्रिस्टल बाउल हीलिंग शुरू करते हैं और हमिंग साउंड करेंगे, जैसे कि हम लगातार चार दिन से करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि हमिंग साउंड जब हम करते हैं तो हमिंग साउंड से हमारे भीतर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, और जिससे कि जो वायरसेस हैं, बैक्टीरिया है, इन्फेक्शन है, वो हमारे शरीर में भीतर नहीं जा पाता, वो बाहर निकल जाता है। और दूसरा, जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ता है और हम हेल्दी रहते हैं। तो हमें हमिंग साउंड करनी है। जैसे ही क्रिस्टल बाउल की साउंड बजेगी, हम तुरंत उसके साथ अपनी हमिंग की साउंड करेंगे। जैसे कि हमने कल भी बताया था कि जब हम आंखें बंद करते हैं तो तुरंत अपने शरीर के हेड से लेके और नीचे पैरों की उंगलियों तक हमारा ध्यान स्टेप बाय स्टेप हम नीचे लेकर जाएंगे, ताकि हम पूरे शरीर को देख सकें। उसके बाद हम सांस भरेंगे और छोड़ेंगे, सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। जब सांस भरेंगे, हमने भर लिया, हमें पूरा महसूस होगा, हमारी पूरी बॉडी की सेंसेशंस होंगी। और जब सांस छोड़ेंगे तो नीचे से मूलाधार चक्र से होते हुए सांस ऊपर की तरफ जाएगा। इस प्रकार से हमने हमिंग साउंड करनी है। सांस को पूरा धीरे धीरे बाहर निकालते हुए कुछ सेकंड के लिए पॉज आ जाएगा खुद ही, ठीक है, और उसके बाद फिर से हम सांस को भरेंगे। तो चलिए अपनी आंखें बंद करते हैं, हाथ में हाथ रखते हैं, पैरों को क्रॉस करते हैं, आराम से सुखमय आसन में बैठ जाते हैं। सुखमय आसन में बैठ जाइए, बिल्कुल सहजता, सरलता, शांति, अपने ही शरीर के साथ जुड़ जाइए। बिल्कुल सहज, अपने ही शरीर के अंगों को सिर से लेकर पैर तक धीरे धीरे देखना शुरू करें। बिल्कुल प्यार के साथ अपने इंजॉय करते हुए, पूरी जागरूकता के साथ मेरे सिर के ऊपर सहस्रार, पूरा चेहरा एक यूनिट है जिसमें हमारी आंखें, नाक, कान, होंठ, गाल, चेहरे की मांसपेशियां, उस पूरे यूनिट के ऊपर ध्यान दीजिए कि मेरा पूरा चेहरा संपूर्ण रूप से स्वस्थ है, मैं रिलैक्स हूं। गर्दन तक आ जाइए, कंधों तक, हाथों की उंगलियों तक, धीरे धीरे नीचे अपने हृदय के पास, छाती पूरी कवर कर लीजिए धीरे धीरे देखते हुए, पीछे कमर, नाभि, नाभि के चारों तरफ सारे अंगों को जैसे सुई घूमती है उस प्रकार से सारे अंगों को धीरे धीरे देखते हुए
नीचे स्वाधिष्ठान चक्र और रीढ़ की हड्डी के नीचे बिल्कुल टिप पर मूलाधार चक्र, धीरे धीरे नीचे टांगों पर, घुटनों पर, पैरों पर, पैर की उंगलियों पर, पूरा ध्यान पूरे शरीर पर। शरीर के साथ साथ अपने प्राण शरीर पे कि मेरा सांस, मैं साक्षी भाव से उसको आते हुए जाते हुए देख रहा हूं। मेरा सांस जब नीचे की तरफ जा रहा है तो नाभि से नीचे तक पूरे पेट में गति हो रही है। पूरे पेट की मांसपेशियां अपने आप ही स्वतः ही हिल रही हैं। और जैसे ही सांस बाहर जा रहा है तो पेट भीतर की तरफ जाते हुए ऊर्जा ऊपर की तरफ उठ रही है। सांस लीजिए और छोड़िए। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस आप और आपकी सांस। आपका सांस ही आपका गुरु है, आपका सांस ही आपका मित्र है। जैसे ही क्रिस्टल बाउल की साउंड बजेगी, वैसे ही हम उसी प्रकार से हमिंग साउंड शुरू कर देंगे। सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। अपनी मांसपेशियां जो गति दे रही हैं, हमारे सारे कोमल अंगों को हिला रही हैं, हमारे सेंसेशंस, हमारी बॉडी की वाइब्रेशंस पूरे सहजता से, सरलता से अपने सांसों को आते हुए जाते हुए देखते रहिए। हमिंग साउंड सांस को भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए हमिंग साउंड करेंगे।
अब हम बिल्कुल शांत हमिंग साउंड से, क्रिस्टल बाउल की साउंड से, जो हमारे शरीर में वाइब्रेशंस पैदा हुए, जो हमें साउंड से हमारे शरीर में जो एनर्जी अपने आप स्वतः ही घूमने लगी, हम साइलेंस में रहते हुए उसको महसूस करेंगे, उसको फील करेंगे। पूरा साइलेंस और सिर से लेकर स्टेप बाय स्टेप अपने शरीर में एक एक अंग के भीतर वो वाइब्रेशंस, वो हमिंग की साउंड से जो एक गहराई में ये वाइब्रेशंस मेरे कण कण में प्रसारित हुई, उनको मैं महसूस कर रहा हूँ, पहचान रहा हूँ। धीरे धीरे जैसे हम लाइट ऊपर से लेकर नीचे तक, एक टॉर्च ऊपर से लेकर नीचे तक जब दीवार पर मारते हैं, सेम उसी तरीके से आपकी वाइब्रेशंस सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक धीरे धीरे नीचे महसूस करते रहिए।
धीरे धीरे हम अपने सभी शरीरों से होते हुए अपने चारों तरफ की चेतना के साथ जुड़े हुए पूरे तरीके से लीन अपने ही साक्षी भाव से उन शरीरों को देखेंगे आप एक साक्षी बनकर अपने आप को ही देख रहे हैं आप बैठे हैं और थोड़ा सा आपसे पीछे आप ही खुद साक्षी बनकर अपने आप को देख रहे हैं कि मैं इस पूरे विश्व में एक चेतना प्रकाश का पुंज हूं मेरे भीतर के कण कण से रोशनी स्फुटित हो रही है पहले अपने गर्दन से ऊपर के हिस्से को देखिए कि आपके कण कण में रोशनी प्रकाश ऊर्जा स्फुटित हो रहा है आप सिर्फ और सिर्फ प्रकाश हैं गर्दन पर आ जाइए हृदय चक्र पर आ जाइए आप सिर्फ और सिर्फ एक प्रकाश का पुंज है आपके हृदय के चारों तरफ जितनी भी कोशिकाएं हैं जितनी भी मांसपेशियां हैं उन सब में प्रकाश स्फुटित हो रहा है आपके हृदय के चारों तरफ हाथों की उंगलियों तक आप ऊर्जा से भरे हुए हैं धीरे धीरे नीचे नाभि चक्र पर मणिपुर चक्र पर आ जाइए मणिपुर चक्र के चारों तरफ जितने भी अंग हैं उन सभी अंगों में वो ऊर्जा स्फुटित हो रही है वो प्रकाश स्फुटित हो रहा है मेरे सभी अंग जगमगा रहे हैं मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं मणिपुर चक्र से नीचे स्वाधिष्ठान चक्र मूलाधार चक्र अपनी रीढ़ की हड्डी के नीचे तक ध्यान को लेकर जाइए और अपने ही शरीर के भीतर जो रोशनी है प्रकाश है वहां की मांसपेशियां वहां की कोशिकाएं उन सब में प्रकाश स्फुटित हो रहा है जगमगा रहा है धीरे धीरे टांगों तक होते हुए अपने घुटनों पर घुटनों से पैरों की उंगलियों तक पूरे शरीर में आपके ये प्रकाश फैला हुआ है
आपके चारों तरफ बहुत सारे मास्टर्स स्वयं में एक लाइट के स्वरूप में बैठे हैं। आप उनको अपने भाव से अंदर ही अंदर उनका वंदन करिए। जब हम ग्रुप मेडिटेशन करते हैं, संगीत ध्यान करते हैं, तब अनेकों मास्टर्स हमारे चारों तरफ अपने ही प्रकाश से हमें ऊर्जा देते हैं। बिल्कुल इस वर्तमान क्षण में आप एक ज्योति स्वरूप है। तमसो मा ज्योतिर्गमी, ये अंधकार खत्म हो गया है और मैं ज्योति के स्वरूप में यहाँ पर अपने आप में ही विराजमान हूँ। आपके ही इस शरीर के पीछे जो एक साक्षी के स्वरूप में शरीर है, वो आपको खुद देख रहा है कि आप एक प्रकाश का पुंज है, आप एक ज्योति स्वरूप हैं। मैं अंधकार से रोशनी की तरफ, मैं अंधकार से प्रकाश की तरफ मुड़ गया हूं। मेरी सारी परतें खत्म हो गई हैं और बस मेरे चारों तरफ जो चेतना है, जो चेतना की चादर है, मैं उसी में लिपटा हुआ हूं। स्वयं में बहुत शक्तिशाली हूं। पांच, चार, तीन, दो, एक, शून्य। बिल्कुल आराम से अपने दोनों हाथों को उठाते हुए अपने चेहरे पर रखिए और धीरे धीरे अपने हाथों को हटाते हुए अपनी आंखें खोलिए। थैंक यू, नमस्ते, थैंक यू। वंडरफुल मेडिटेशन, मैं आप सबकी ऊर्जा को महसूस कर रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा। आप भले ही दूर बैठे हैं पर बहुत सारे इनविजिबल मास्टर्स बहुत खुश हैं। उनको बहुत खुशी मिल रही है कि हम ग्रुप मेडिटेशन कर रहे हैं और ग्रुप मेडिटेशन के माध्यम से इस पूरी धरती को हम एक शांति में और एक उसको हम सुकून दे रहे हैं। ये सुकून इस धरती पर बहुत बड़ा काम कर रहा है। तो हम कल जो चर्चा कर रहे थे कि जो इन्वोल्यूशन है और इवोल्यूशन की चर्चा हो रही थी कि जब तक हम मनुष्य योनि तक नहीं पहुंचते हैं, मदर नेचर केयर करती है। हम कई बार सवाल आता है कि ये भूकंप क्यों आते हैं, ये तहस नहस क्यों होता है, ये कोरोना क्यों आया है, इसका रीजन क्या है, इसके पीछे इन्वोल्यूशन और रिवोल्यूशन ही इसका कारण है। इन्वोल्यूशन का मतलब है कि जब तक धरती माँ, जब तक हम पशु योनि तक होते हैं,
तब तक वो उनकी रक्षा स्वयं करती है। मदर नेचर में बहुत सारे मास्टर्स हैं जो उनके साथ होते हैं। जैसे मान लो आपके घर में एक व्यक्ति है जो आप एक बच्चे को सिखाता है कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए, लेकिन वो बात नहीं मानता है, तो वो जो व्यक्ति है जो बार बार बताता है कि बच्चे ऐसा करना चाहिए, बच्चे आपको ऐसा करना चाहिए, वो बात नहीं मानता है, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे अपने बस की बात नहीं है, मैं अपनी मम्मा को बोलता हूँ या दादी को बोलता हूँ या दादा को बोलता हूँ, अपने से बड़े को बोलते हैं हम कि भाई तू ही समझा है इसको, तो समझ नहीं आ रहा। जब उसको भी समझ नहीं आता है तो दादा आके समझाने लगता है कि बेटा आपको ऐसे करना चाहिए, आप ऐसे करो ऐसे करो, नहीं समझ आता है तो क्या करेंगे? दादा भी हाथ पैर छोड़ देता है कि मेरे बस की बात नहीं। सेम इसी तरीके से जब हम इस धरती पर इन्वोल्यूशन को नहीं समझते हैं, अब हम बोलते हैं कि हर पेड़ के अंदर देवता निवास करते हैं और पेड़ों को काट दिया जाता है, देवता कुछ नहीं कर पाते। जानवर हैं आज सुनसान सड़क पे बैठे हुए हैं, हम कोरोना में अंदर बैठे हुए हैं और जानवर बेचारे बाहर सड़कों पर बैठे हैं। उनके अंदर भी तो भगवान है, उनके उनको भी तो कोई मैनेज कर रहा है, लेकिन प्रकृति कहती है कि मैं थक गई हूँ, अब मेरे बस की बात नहीं है, मैं तुम लोगों को इस मनुष्य को नहीं समझा सकती हूँ। तो कुछ ना कुछ तो और बड़ा होगा, और बड़ी घटना होगी जिससे हम लोगों का शायद दिमाग समझ जाए, शायद हम समाज में एक अच्छा तरीका स्थापित कर सके, एक दूसरे से पशु भी दूर हो रहे हैं, पानी नहीं है, खाना नहीं है, लड़ाई करते हैं, हमारे चारों तरफ हम खुद ही देख रहे हैं कि कितने सारे बंदर हैं, गायें हैं, कैसे भटक रहे हैं, क्योंकि भगवान जो छोटे भगवान हैं, जिनको छोटा छोटा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, वो भी थक गए, उनको भी नहीं पता कि अब हम क्या करें, वो भी हाथ पैर छोड़ के सरेंडर कर गए कि अब तुम जानो तुम्हारा काम जानो। मदर नेचर इन्वोल्यूशन तक वो जब देखती है तो मदर नेचर कहती है कि अब कुछ और होगा, क्या होगा कि कोरोना आएगा या क्या आएगा, किस तरह से हम लोग सुधरेंगे, वो ही जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में क्या हो रहा है। इन्वोल्यूशन में आते आते जब हम इन्वोल्यूशन का एक सीढ़ी यहाँ पे बंद कर देते हैं, हमारे सराउंडिंग में पता लग गया कि अब ये पशु योनि के बाद एक ग्रुप सोल से हम इंडिविजुअल सोल बनते हैं, तब इंडिविजुअल सोल में हम मनुष्य योनि में आते हैं। और मनुष्य योनि में आने के बाद जो हमारे परिवार हैं, जो हमारी सोसाइटी है, ये सोसाइटी को ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं पूरे ब्रह्मांड के, ये समझ आने चाहिए कि हम मनुष्य योनि में भी अलग अलग तरीके से जन्म लेते हैं। एक बेबी सोल है, एक इन्फेंट सोल है, एक यंग सोल है, एक मैच्योर सोल है, एक ओल्ड सोल है, एक ट्रांसेंडेंटल सोल है। इस तरीके से हर परिवार में एक शिशु आत्मा पैदा होती है, फिर एक बच्चे की आत्मा, उसके बाद फिर एक यंग आत्मा, युवा आत्मा, और उसके बाद एक मैच्योर आत्मा, फिर वृद्ध आत्मा, और फिर ट्रांसेंडेंटल आत्मा। इस तरीके से हम हमारी फैमिली में ही 4 से 5 तरह की आत्माएं जन्म लेती हैं, शरीर का रूप धारण करती हैं। कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई घर में काम करने वाला है, और हम क्या करते हैं, अगर हम ब्रह्मांड के इस इवोल्यूशन के सिस्टम को नहीं समझते हैं तो नकारात्मक बातें आती रहती हैं, नेगेटिव बातें आती रहती हैं। क्यों? क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मैं ही काम करती हूँ घर में, और तो बेवकूफ है, वो तो पढ़ा ही रहता है, वो तो काम नहीं करता है, उसकी तो नौकरी छोटी है, मैं ही ज्यादा कमा रही हूँ। ये सब बातें इसलिए है क्योंकि हम उस इवोल्यूशन के सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप नहीं समझ रहे हैं। और आत्माएं आपस में शरीर रूप जब धारण करती हैं
तो कर्म सिद्धांत लागू होने के बाद वो डिसाइड करती हैं कि मुझे अब इस फैमिली में जाकर, मेरे से बड़ा है वो, मैच्योर है, मुझे सीखना है। गुरु नानक जी के घर में सब गुरु नानक नहीं बन गए, उनके घर में भी अलग अलग तरह की आत्माएं थी जो देखकर उनको सीख रहे थे। हर किसी घर में एक मैच्योर आत्मा होती है, एक ओल्ड सोल होती है, ओल्ड आत्मा होती है। अब हम पहले से शुरू करते हैं, एक शिशु आत्मा। शिशु आत्मा मतलब कि जो हम बोलते हैं शिशु, मतलब जो सोया रहे। कुछ ऐसे अपनी ही फैमिली में हमारे 5 भाई बहन हैं या 7 भाई बहन हैं, उनके फैमिली में कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो शायद घर में खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, बस। हम क्या कहेंगे, बस जिंदगी बर्बाद हो गई, बेकार बच्चा है, देखो उसका बच्चा तो कितना मेहनती है। नहीं, हमें उस इवोल्यूशनरी सिस्टम को समझना है कि हमारे घर में एक शिशु आत्मा अगर जन्म लेती है तो हमें उसको प्यार करना है। ये प्यार, करुणा, ये हमारे गुण है। यही हमें प्यार करके उनको बताना है कि बच्चे तुम बड़े हो रहे हो, अब तुम्हें धीरे धीरे अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है। फिर एक बेबी सोल है जो चीजों को तोड़ती है, फोड़ती है, कुछ करती है, नुकसान करती है, उसके बाद वो फिर से वैसी ही हो जाती है। जैसे एक बच्चा है जो बड़ा होना सीखता है, 6 महीने का, साल का, 2 साल का, तो चीजों को तोड़ता रहता है और फिर खाता है, पीता है, सो जाता है। इसी तरीके से हर जन्म में हम कभी शिशु बन गए, कभी हम एक बेबी के रूप में आ गए, वो स्टेप्स हैं, हम सब वहीं से पार होकर आए हैं। लेकिन हम चारों तरफ अपनी फैमिली में ही, अगर मैं मैच्योर सोल हूं तो मेरे चारों तरफ अगर कोई शिशु आत्मा है, कोई एक मैच्योर के साथ साथ ओल्ड आत्मा है, तो मैं समझ रही हूँ कि अच्छा, मेरे से कोई बड़ा भी है जो इससे भी, मेरे से भी ज्यादा बड़ा मास्टर है, या मेरे से कोई छोटा भी है जो अभी समझ नहीं रहा है। ये शिशु आत्मा, बेबी आत्मा, फिर यंग सोल है। इसी प्रकार से यंग सोल है, उसको ज्यादा, यंग सोल कैसा होगा कि वो चंचलता, जैसे अगर हम यंग थे तो कैसे थे, कि हम यंग थे तो हम सोचते थे कि नया सूट डालेंगे, घूम कर आएंगे, हम ऐसा करेंगे, चलो हम कुछ नया चीज करके देखते, क्रिएटिव होते हम, वो कुछ कुछ चीजों को करना चाहते हैं। तो यंग सोल है, हम कहेंगे देखो ये, देखो ज्यादा ही ऐसा बन गया है समाज, इस समाज के हिसाब से अगर हम अपनी बुद्धि को लगाते हैं तो कहते हैं बेकार है, कुछ नहीं, ज्यादा ही फैशन करने लगे, संस्कार ही खराब है, माँ बाप ने इसको अच्छा कुछ सिखाया ही नहीं। हाँ, फिर हम बच्चे को धमकाते हैं कि देखो, अब देखो दुनिया क्या कहेगी तेरे को। क्यों? क्योंकि हमें इन बातों की समझ नहीं है कि हम एक इन्वोल्यूशन से इवोल्यूशन की स्टेज पे आके हमारी आत्मा विस्तार कर रही है, और जब विस्तार करती है तो उसमें एकदम से विस्तार नहीं होता। कल किसी का सवाल था कि एनलाइटनमेंट में, पूछा था किसी ने कि एनलाइटनमेंट क्या होता है। एनलाइटनमेंट कोई चुटकी की चीज नहीं है, या हमने ध्यान किया और चुटकी में नहीं आएगा। एनलाइटनमेंट का मतलब है कि आप हर चीज के प्रति जागरूक हो रहे हैं, दैट इज द एनलाइटनमेंट। हम हर चीज के प्रति, अच्छा मुझे मांस नहीं खाना है, अच्छा मुझे बेकार की बात नहीं करनी है, अच्छा मुझे मेरे घर में जो मेंबर हैं मैं उनको आत्मा के हिसाब से समझने लगा हूं, स्वीकार करने लगा हूं। ये बातें हम तब समझ सकते हैं जब हम एक इन्वोल्यूशन की सीढ़ी और एक इवोल्यूशन की, इन्वोल्यूशन है नीचे की तरफ, मेरे चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है दैट इज द इन्वोल्यूशन। वो कभी मिटने वाला नहीं है, मिट जाएगा तो हम भी मिट जाएंगे। यहाँ ना हवा रहेगा, ना पानी रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। सो इसीलिए हमें रिस्पेक्ट करना है। हम इन्वोल्यूशन में उस एनवायरनमेंट का रिस्पेक्ट नहीं करते, ऐसी ऐसी पॉलिसीज बना दी, पेड़ काट दो। जहां पर मैं रहती हूँ वहां पर बहुत पेड़ कट गए हैं, और ऐसे लगता है कि जैसे लाशें बिछी हुई है।
कांट टॉलरेट, रोना आता है, रोती हूं मैं कि कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पॉलिसीज ऐसी हैं जो बड़े हैं वो जो समझ नहीं रहे हैं कि किस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, जो 30-30, 40-40 साल के पेड़ थे उनको काट दिया गया, इन्वोल्यूशन नहीं समझ रहे हैं कि उसी से हम जिंदे, आज हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ रही है, नहीं ऑक्सीजन सिलेंडर, क्योंकि हमने उस एनवायरमेंट को जो हमारे चारों तरफ है हम उसका रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। हमारी ही फैमिली में हम अलग अलग सोल्स के रूप में आके फिर हम यंग सोल से मेच्योर सोल में आते हैं, हमें समझ आने लगती है कि हमें पैसा बर्बाद नहीं करना है, हमें खाना बर्बाद नहीं करना है, हमें अपने टाइम का एक मैनेजमेंट करना है। अब कुछ सोल्स होती हैं जो आपने देखा होगा, आपके ही घर में बच्चे हैं जो आएंगे आराम से कॉलेज में आके अपना काम करते हैं, कहेंगे कि भाई बड़ा समझदार बच्चा है, लेकिन दूसरा अगर बच्चा चंचल है तो हम कहेंगे देखा तूने अपने भाई को, देखा नहीं वो ऐसा पढ़ाई करता, तू क्यों नहीं करता। नो कंपैरिजन, यहाँ पे कंपैरिजन है ही नहीं, यहाँ पे ना कंपैरिजन है ना कंपटीशन है, कोई कंपटीशन नहीं है। हर आत्मा अपनी वृद्धि करने के लिए, अपने आप में सीखने के लिए आती है, और हम कंपैरिजन शुरू कर देते हैं कि देखो तेरा भाई ने ऐसे किया, देखो मेरे तेरे चाचा का लड़का फर्स्ट आया ना, तू क्यों नहीं आ सकता। मतलब एक घर में एक शांति भंग कर दी सिर्फ एक कंपैरिजन, या उसके साथ हम लगे हैं कंपटीशन करने के लिए। नो कंपटीशन, यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए। कंट्रीब्यूट, व्हाट यू कंट्रीब्यूट फॉर योर फैमिली, आप अपने परिवार में कितने प्यार से बोल रहे हैं, ये प्यार नहीं मिलता है, ये जरूरी है, हम कितना प्यार से समझ रहे हैं। मैच्योर सोल छोटे को समझाती है, जो यंग है उसको समझाती है कि देखो भाई अब तक तो हो गया, अब तुम्हें मांस मीट नहीं खाना चाहिए, अंडा नहीं खाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हम एक मैच्योर सोल उसको, देखो भाई तुम्हारा अब समय है, देखो काउंसलिंग करते हैं, पढ़ाई कर लो। इसी तरह हमारी सोसाइटी में, हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, अगर एक ध्यानी व्यक्ति है तो कभी भी मुंह से खराब बात नहीं निकालेगा, जात पात की बात निकालेगा ही नहीं, जात पात की बात उसके दिमाग में आएगी ही नहीं, धर्म की बात, धर्म ये धर्म है, ये जात पात है, ये कल्ट है, ये कुछ भी नहीं आएगा। मैच्योर के बाद ओल्ड सोल बनता है, ओल्ड सोल होता है कि अपना काम किया, अपने ध्यान में मस्त। ओल्ड सोल वो है जिसने अपना काम किया, अपना स्वाध्याय किया, अपने बाहर दूसरे लोगों को सिखाया, और अपने आके अपना आराम से घर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं। और एक है रमन महर्षि जैसे आए, ट्रांसेंडेंटल सोल, ऋग्वेदेश्वर गिरी जी आए, गुरु नानक जी आए, गुरु गोविंद सिंह आए, ट्रांसेंडेंटल सोल जो पहले से ही जागृत हैं, क्योंकि उनके जन्म की जो सीढ़ियां हैं शायद वो 50वीं सीढ़ी पर हैं और शायद हम 25वीं सीढ़ी पर हैं, तो हम ऊपर चढ़ रहे हैं। तो हम जब अपने मुंह से कोई बात बोले तो सोच कर बोले कि हम किसी का बुराई ना करें, स्वीकार करें दूसरों को, कि इन्वोल्यूशन और इवोल्यूशन, इवोल्यूशन करते करते जब हम ट्रांसेंडेंटल सोल बन जाते हैं, एक विमुक्त आत्मा बन जाते हैं, इंडिपेंडेंट हम सोल बनकर, हम फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें नीचे आना है और फिर हमें धर्म और अधर्म की रक्षा करनी है। धर्म का डेफिनेशन क्या है? धर्म का डेफिनेशन वो ही समझ सकता है, गीता के पहला चैप्टर पूरा इसी से भरा हुआ है कि आप जब ज्ञानी बन जाते हैं, आप जब योगी बन जाते हैं, तब आप धर्म की पालना करते हैं। मतलब कि आप हर इंसान के भीतर वो ही आत्मा देखते हैं, उसी आत्मा के हिसाब से आप व्यवहार करते हैं, वो धर्म है। धर्म क्या है? जो योद्धा है
या डॉक्टर है या इंजीनियर है, वो अगर दूसरों के भीतर वैसी ही आत्मा देखता है जैसी उसके भीतर है, वो धर्म का पालन कर सकता है। लेकिन अगर एक डॉक्टर एक योगी नहीं है, एक इंजीनियर एक योगी नहीं है, अगर एक घर में काम करने वाला योगी नहीं है, अगर एक बाहर काम करने वाला योगी नहीं है, तो वो धर्म का पालन कैसे करेगा? क्यों? क्योंकि वो सामने वाले में छोटे और बड़े की तुलना करने लगेगा। देखो, मैं तो एमडी हूँ द्रव्य गुण से, एक एमडी है काय चिकित्सा से, कहीं काय चिकित्सा ज्यादा अच्छी होती, द्रव्य गुण तो कुछ है ही नहीं, क्लिनिकल है ही नहीं। नकारात्मक जो सोच है, तो फिर हम धर्म का पालन नहीं कर सकते पढ़ाई और डिग्रियों से। पढ़ाई और डिग्री से हम कागज का एक डिग्री हासिल करते हैं, अनुभव हासिल करते हैं, लेकिन योगी बनने का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ हम ध्यान स्वाध्याय साजन संगत से करते हैं, तब हम धर्म का पालन करते हैं। फिर हमें फर्क नहीं लगेगा कि ये मेरा पीएन आया है मेरे पास ऑफिस में, या कोई डॉक्टर आया है, या कोई ऑफिसर आया है, ऑल आर सेम। मुझे पता है कि उनके अंदर भी वही आत्मा निवास करती है, चाहे वो शिशु आत्मा है, चाहे वो मेच्योर आत्मा है, चाहे वो वृद्ध आत्मा है, चाहे वो ट्रांसेंडेंटल सोल है। आप कभी पत्री सर के साथ जब बैठेंगे तो कोई खाना खा रहा होगा तो उठने नहीं देते, वो कहते कि यू रिस्पेक्ट द फूड, और हम लोग खड़े हो जाएंगे कि सर आ गए सर आ गए, सर हमेशा गुस्सा करते हैं, वो कहते कि यू रिस्पेक्ट द फूड, फूड इज मोर इम्पोर्टेंट देन मी। ये है ट्रांसेंडेंटल सोल, कि जब हम योगी होते हैं तो तब हम धर्म का पालन करते हैं। हर चीज के साथ एक योगी भव, योगी भव, योगी को जोड़ना, हमें योगी बनना है। और जब इस तरह का इवोल्यूशन होता है तो धरती खूबसूरत हो जाती है, सब स्टेप्स अपने आप ही ठीक होते चले जाते हैं। और अगर नहीं होते तो फिर इवोल्यूशन इन्वोल्यूशन किताबों में पढ़ते रहो, मेरे चारों तरफ का एनवायरनमेंट वहीं पे सब चीजें घूम रही है। लेकिन कल जब ये फिनिश हुआ मेडिटेशन, तो उसके बाद मैं फिर से थोड़ी देर ध्यान में बैठ गई, और जितने भी जो मिनी गॉड्स बोलते हैं, बहुत तकलीफ थी अंदर से कि जो मिनी गॉड्स होते हैं वो भी कहते हैं कि हम हाथ छोड़कर बैठ गए, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने सारे ही उस सिस्टम को शायद तहस नहस कर दिया है, या उस एनर्जी को ब्रेक कर दिया है। आप देखें कि एक विचार कितना शक्तिशाली होता है। अगर हम ये सोचते हैं कि हमें ये काम करके छोड़ना है, हमें मेडिटेशन करना ही है, तो हम कर डालते हैं। और अगर हम इस तरह की पॉलिसीज बनाएं, या इस तरह का गाय को इंजेक्शन दे रहे हैं कि बछड़ा ना हो, मतलब क्या पॉलिसीज हैं ये, कि इस धरती पे हम किस तरह की पॉलिसीज सेट कर रहे हैं? हम ऐसी पॉलिसीज सेट कर रहे हैं कि गायें, अगर 200 गायें हैं तो उसका दूध निकालना हो तो हम मशीन से निकालेंगे, क्या पॉलिसीज हैं ये? हर चीज हम मशीन से नहीं तोल सकते हैं, उसके अंदर जो इन्वोल्यूशन, जो एक पशु आ रहे हैं, हमें उनका रिस्पेक्ट करना है। वो नहीं है तो हम भी नहीं है, हमारा भी एग्जिस्टेंस नहीं है। ये चीजें हमें जन जन तक तो पहुंचानी ही है, चाहे हम YouTube से पहुंचाएं, फोन से पहुंचाएं, बातों से पहुंचाएं, कैसे ही पहुंचाएं, लेकिन हमारे जब दिल के अंदर से ये वाइब्रेशन निकलेंगी तो 100% हम कितने सारे लोग मिलकर इस वाइब्रेशन से पूरे एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं। मुझे याद आ रहा है कि जब नेपाल में जब भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था, तो उस वक्त बहुत सारे पशुओं की हत्या हुई थी, वो एक पशुओं को काटा गया था, कोई बलि दी गई थी। क्या करेगा अब पशुओं के जो भगवान है, वो क्या करेंगे? वो कहेंगे मेरे बस की बात नहीं है, तुम संभालो, मदर नेचर को कहने लगे। मदर नेचर कहती हो कि मेरा तो चुटकी भर का काम, सब हिला दिया, पूरा नेपाल को तहस नहस कर दिया चुटकी भर में, विद इन सेकेंड, कि तुम अगर ऐसा करोगे तो ये टॉलरेबल नहीं है,
ये नहीं टॉलरेट किया जा सकता। सेम उसी तरीके से अब जगह जगह अगर हम मांस मीट की दुकानें देखते हैं, मच्छी अंडे की दुकानें देखते हैं, तो हम एक पूरे उस सृष्टि के एक क्रम को खराब कर दिया हमने। और उस क्रम को खराब करने के बाद क्या होगा कि कोरोना जैसी चीजें, वायरसेस जैसी चीजें, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन अपने आप ही आ गई। वो हमें दिखा रहे, बता रहे कि तुम अपने आप में अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करो, ध्यान में जाओ, हमिंग साउंड करो, अच्छा बोलो, अपने मन को अच्छा करो। थोड़ी देर के बाद फिर से वैसा ही हो जाता है। नहीं, हमें हमेशा अपने आप को एक प्रकाश के रूप में देखना है, जैसे यही सही धर्म है और यही हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने भीतर उस धर्म की पालना करते रहें। क्योंकि जैसा छोटे से जीव में जो चेतना है वही मेरे भीतर है, एक मिनट में हम खत्म कर देते हैं, नहीं करना ऐसा। ओके, और कोई अपना मैसेज देना चाहता है? वेलकम है विनीता मैम। यस भार्गव, भार्गव ये सवाल पूछा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन इन्वोल्यूशन एंड इवोल्यूशन, किसी ने पूछा है, किसी मास्टर ने। हाँ, तो इन्वोल्यूशन सिंपल है कि जब ऊपर से नीचे ब्रह्मांड अपनी सृष्टि को स्थापित करता है, जब तक हम पशु योनि तक हैं तब तक इन्वोल्यूशन है, और जब तक हम ग्रुप सोल में हैं तब तक इन्वोल्यूशन है, और जब तक हम ग्रुप सोल से हम जंप लगाकर जब हम इवोल्यूशन के पीरियड में आते हैं, ह्यूमन किंगडम में आते हैं। मैं आपको कल एक पिक्चर दिखाऊंगी, उससे आपको इन्वोल्यूशन और रिवोल्यूशन समझ आ जाएगा। ओके, तो इवोल्यूशन है जब मनुष्य योनि और कर्म सिद्धांत और स्पिरिचुअल साइंस लागू होता है, तब इवोल्यूशन का पीरियड शुरू होता है। और इन्वोल्यूशन और इवोल्यूशन इकट्ठे रहते हैं, ये वायुमंडल में हटा नहीं सकती, इन पशुओं को हटाया नहीं जा सकता, कीट पतंगों को हटाया नहीं जा सकता। मैं उन्हीं के बीच में ही रहकर इवोल्यूशन कर सकती हूँ। मैं अकेली जाकर किसी हिमालय पर्वत पर अकेले गुफा में रहने लग जाऊं तो भी कुछ नहीं हो सकता, तब भी मेरे को इवोल्यूशन नहीं मिलेगा। क्योंकि मुझे कल आपने परसों हनुमान जी की बातें सुनी थी ना, कि उनकी पेरेंट्स ने कहा कि सोशल बनो, सोशल वेलबींग बनो, परिवार के साथ रहना सीखो। तो वो एक ही लाइफ में परिवार के साथ रहना सीख गए। हमें क्यों इतने जन्म लग रहे हैं? क्योंकि हम चिपके हुए हैं चीजों के, छोटी छोटी चीजों के चिपक जाते हैं। मेरी धरती है, मेरा सूट है, मेरा कपड़ा है, मेरा पैसा है, मेरी जॉब है, मेरी कार है, मेरा फोन है, कुछ भी मेरा नहीं है यहाँ पर। जब ये चीजें समझ आ जाएंगी तो ऑटोमेटिकली हम एक ही लाइफ में बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे। थैंक यू। ओके, नमस्ते। नमस्ते, बाय, कल मिलते हैं मॉर्निंग में। ओके,